नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षाएं अकेडमी पर। लेखपाल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। जैसा कि हमारा पेपर नज़दीक है लेखपाल का, इसलिए हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं घटना चक्र दो सीरीज। चलिए आइए करते हैं, शुरुआत करते हैं हिंदी सब्जेक्ट से। आपके सामने पहला ही प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है, जो धरती फोड़कर जमता है, जो धरती फोड़कर जमता है के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन है स्वयंभू, जन्मजात, जरायु या उद्भिज। तो ऑप्शन आपका सही होगा इसमें ऑप्शन डी, उद्भिज। चलिए आगे देखते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है अव्यय, प्रत्यय, समास या संधि। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही, संधि। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन करिए। अव्ययी भाव समास को चुनना है। ऑप्शन है पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, आजीवन, जिसका पहला पद अव्यय होता है तथा दूसरा पद संज्ञा होता है उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। परा, परा उपसर्ग का अर्थ है। ऑप्शन है भीतर, उल्टा, बाहर, आसपास। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है तीखा, अटारी, निष्कृष्ट, गहरा। तो आपको इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन सी, आपका यह तत्सम है निकृष्ट। प्रश्न है विडोजा, विडोजा पर्यायवाची शब्द है, किसका है विडोजा पूछा है। ऑप्शन है आपके पास नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का या पत्थर का। तो आपका इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची विडोजा है। इंद्र का और पर्यायवाची देखते हैं, देवराज है, पुरंदर है, मधवा है, शक है इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। वैमनस्य का विलोम शब्द होगा, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है विमनस्य, सौमनस्य, सुमनस्य, अवमनस्य। तो आपका जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, वैमनस्य का सौमनस्य होता है विलोम। आगे देखते हैं। उद्धत, उद्धत का विलोम शब्द पूछा है। तो ऑप्शन है आपका सौख्य, विनीत, उत्तम, कोमल। तो इसमें बताइए ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन बी, उद्धत का विनीत विलोम होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। जिजीविषा, जिज्ञासु, जिगीसु या पिपासु। आपका इसमें जो सही आंसर है उसको देखते हैं ऑप्शन सी, जिगीसु, किसी पर विजय पर एक इच्छा रखने वाले। प्रश्न है, तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला, तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तकावी, तुड़ीर, तत्पर, तीर त्रिशु। तीर त्रिशु क्या होगा देखते हैं ऑप्शन, आपका यही डी ऑप्शन सही है, ती त्रिशु, तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला। प्रश्न है, दिव्यागमन, दिव्यागमन का सही संधि विच्छेद पूछा है। संधि विच्छेद पूछा है किसका, दिव्यागमन का। आपके पास ऑप्शन है देवीधन गमन, देवीधन आगमन या देवीधन आगमन या दिव्यागमन गमन। तो आप जो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देवीधन आगमन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीचों बीच, बीचों बीच में समास पूछा है। बीचों बीच में क्या समास है देखते हैं, द्वंद है कि अव्यय भाव है कि कर्मधारा है कि द्विगु है। तो आपका इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अव्यय भाव।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कटहल, कटहल पूछा है कि तत्सम शब्द है, कटहल का तत्सम शब्द पूछा है। ऑप्शन है आपके पास कंठफल, कटहरा, काष्ठगृह, काष्ठफल। आपका इसमें जो ऑप्शन सही होगा पहला ही ऑप्शन है कंठफल। प्रश्न है अच्छवाट का तद्भव शब्द क्या है, पूछा है अच्छवाट का तद्भव। ऑप्शन है अखरोट, आठ, अगहन, अखाड़ा। आपके इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन डी अच्छवाट का अखाड़ा तद्भव, ये तद्भव शब्द है अखाड़ा। अच्छवाट तत्सम है, अखाड़ा तद्भव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिजात, पारिजात का पर्यायवाची है पूछा है, पारिजात का पर्यायवाची पूछा है। कल्पवृक्ष, गिवाण, त्रिदश, पंचसर। तो आपका जिसमें सही आंसर है पहला ही ए कल्पवृक्ष। प्रश्न है आपके सामने विपरीतार्थक शब्द चुनिए, पौवर्त्य का विपरीत मतलब विलोम पूछा है। ऑप्शन है परकिया, नवीन, पराधीन, पाश्चात्य। तो आपका इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन डी पाश्चात्य। चलिए आगे देखते हैं। शैतान की आंत मुहावरे का सही अर्थ पूछा है, शैतान की आंत मुहावरे का क्या अर्थ होगा, साहसी, रस्सी, लंबी बात, डरावना। तो ऑप्शन सी शैतान की आंत मतलब लंबी बात इसका अर्थ होता है। बढ़ते हैं आगे। दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्यों में त्रुटि का चयन करें, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प बाद डी चयन करें। देखते हैं क्या त्रुटि है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। दिया है विद्यालय, इसमें त्रुटि विद्यालय में है कि जलपान को है कि उत्तम प्रबंध है कि कोई त्रुटि नहीं। तो अब इसमें देखेंगे हमारे पास जो है ऑप्शन बी जलपान को, यही आपका गलत है, जलपान का होना चाहिए यहाँ पर सम जो कारक चिन्ह होता है जलपान का होना चाहिए। अगला प्रश्न है अपशकुन, अपशकुन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, अपशकुन में उपसर्ग पूछा है अपशकुन में। तो ऑप्शन है आपके पास अप, अ, अन, अभी। तो आपका जो पहला ही है अप, यही आपका सही है, यही अपशकुन का उपसर्ग है। अध्यापक, अध्यापक शब्द का बहुवचन बनाते समय किस शब्द का प्रयोग करना उचित होगा। आपको दिया है प्रश्न अध्यापक शब्द का बहुवचन बनाते समय किस शब्द का प्रयोग करना है। ऑप्शन है गढ़, जन, लोग, वृंद। तो आप बताइए इसमें क्या सही होगा। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए अध्यापक गढ़। प्रश्न है देखें जब किसी वाक्य में पुकारने का संकेत मिलता है तो वहाँ कौन सा कारक होता है, जब किसी वाक्य में पुकारने का संकेत मिलता है तो वहाँ कौन सा कारक होता है। देखते हैं ऑप्शन संप्रदान होता है कि संबंध होता है कि अधिकरण होता है कि संबोधन होता है। तो हम जानते हैं पुकारते हैं मतलब हे भो ऐसे करते हैं, तो संबोधन आपका सही है। प्रश्न है किस वाक्य में तत्कालिक वर्तमान काल है, किस वाक्य में तत्कालिक वर्तमान काल है। मैंने परीक्षा दिया है, अध्यापक आते होंगे, अध्यापक पढ़ाते हैं। आपका इसमें सही है जो ए तत्कालिक वर्तमान में परीक्षा दे रहा हूँ। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द छाटना है, देखना है क्या है। शराब है, किताब है, गुलाब है, गरीबी है। इसमें आपका जो सही आंसर है पुल्लिंग शब्द में ऑप्शन सी गुलाब, गुलाब आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिए शुरुआत करते हैं जीके जीएस के। प्रश्न है भारत के अनेक क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है। प्रश्न है मिट्टी के लाल होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है मैग्नीशियम की बहुतायत, संचित ह्यूमस, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, फास्फेट की बहुतायत। तब बताइए इसमें क्या सही होगा।
ऑप्शन सी फेरिस ऑक्साइड की उपस्थिति, इसी कारण मिट्टी की जो रंग है वो लाल होती है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। आपका सही आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी झरिया झारखंड, स्टील से नहीं बल्कि ये लोह इस्पात से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, डाकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? डाकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? देखते हैं, बोत्सवाना में है, नामीबिया में है, दक्षिण अफ्रीका में है या जाम्बिया में है। आपका जो ऑप्शन सही होगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं क्या है पूछा है, देख लेते हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, या अंग्रेजी और फ्रेंच है, या अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच और रूसी है, या अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी है। तो बात करते हैं यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी, अरबी और स्पेनिश, ये सब भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अमरूद प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में अमरूद प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है, देखते हैं। ऑप्शन है झांसी, प्रतापगढ़, लखनऊ, प्रयागराज। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है पूछा है प्रश्न में, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? मोर है, एक सारस है, तोता है, कोयल है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्या है? सारस या क्रेन। चलिए मिलान करते हैं, सुमिलित नहीं है। कौन सुमिलित नहीं है? एमएस वर्ड, डीओसी, डॉग, डॉग से संबंधित है कि नहीं? हाँ सही है, ये डॉग से संबंधित है, मतलब इसका जो बनता है फाइल, एक्सटेंशन फाइल डॉग। एमएस एक्सेल, एक्सएलएस, ये भी सही है, इसका भी सही है। एमएस पेंट, जेपीजी, ये भी सही है, पेंट का भी एक्सटेंशन बनता है मतलब जेपीजी से। एमएस पावर पॉइंट, पीटीपी, पीटीपी नहीं होता बल्कि पीपीटी होता है, ये आपका गलत है। हमारा आंसर यही सही होगा, यही गलत है आपका। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है पूछा है प्रश्न में, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? आपका है ऑप्शन ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी। बात करते हैं ऑप्शन की, क्या सही होगा? ऑप्शन डी बाइनरी, डाटा का भंडारण बाइनरी रूप में भंडारित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। प्रश्न है, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण तथा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन से प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाती है? पूछा है टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण तथा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन से प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाती है? ट्रांसमीटर, डायोड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आपका सही आंसर है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है पूछा है, देखते हैं। क्षमता का अधिकार, शोषण के प्रति अधिकार, हड़ताल का अधिकार, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, क्या सही है? देखते हैं ऑप्शन सी, हमारा मौलिक अधिकार हड़ताल का अधिकार ये नहीं है, बाकी सब मौलिक अधिकार में आते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न की, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान हमारे संविधान में है? तो देखते हैं क्या, एक है, दो है, तीन है या चार है। तो बात करते हैं कितने हैं, तो ऑप्शन हमारा जो सी है तीन, यही हमारा सही है। एक राष्ट्रीय आपात होता है, राष्ट्रपति शासन होता है, वित्तीय आपात होता है। राष्ट्रीय आपात युद्ध, आंतरिक विद्रोह, ये सब कारण होता है, और राष्ट्रपति शासन लगते हैं स्टेट में, बाकी वित्तीय आपात अभी तक भारत में कभी हुआ नहीं। प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली को पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? पंचायती राज प्रणाली जो हमारी थी पहले
आई थी किस किन दो राज्यों में लागू किए थे दिखते हैं। ऑप्शन आंध्र प्रदेश और राजस्थान, असम बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पंजाब चंडीगढ़। आपका जो पहला आंसर है ऑप्शन ए वही सही है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। प्रश्न है सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, देखते हैं क्या है। मिलाते हैं, देखिए एक तरफ है रेखा, दूसरी तरफ है किस देश के बीच है, तो देखते हैं डुरंड रेखा, डुरंड रेखा कहाँ है देखते हैं। तो हमारा जो डुरंड रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। मिलाते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मतलब नीचे लाते हैं। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा जो हमारी है वो भारत और चीन के बीच में है, मतलब कि बी का तीन। और रेडक्लिफ रेखा हमारी जो है ये है भारत और पाकिस्तान के बीच है। और डी जो मेगिनार्ट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच, तो मतलब देखते हैं ए का चार किस में, ऑप्शन सी में, मतलब यही हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है। प्रश्न है किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा, FCI, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा, CACP, या कृषि मंत्रालय द्वारा, या वित्त मंत्रालय द्वारा। तो देखते हैं क्या सही, ऑप्शन बी CACP द्वारा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए सिफारिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है। ऑप्शन है जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी, या कृषकों के निम्न आय, उपयुक्त सभी। तो बात करते हैं क्या सही है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारण कृषि में निम्न उत्पादकता होती है, ऑप्शन डी। प्रश्न है किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। प्रश्न है किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद पहली बार, तो देखते हैं ऑप्शन क्या सही है इसमें, चंपारण है कि खेड़ा है कि असहयोग है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका चंपारण ही सही है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किस वर्ष बनी थी। ऑप्शन है 1917 में, 1918 में, 1925 में, या 1924 में। तो आपका जो सही आंसर है 1917 यही सही है कि 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रश्न है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम बताया है कितने हैं, 13 है कि 15 है कि 14 है कि 17 है। तो ऑप्शन आपका जो है 17 यही सही है, डी। प्रश्न है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था, ऑप्शन है कलकत्ता के, लाहौर अधिवेशन में, अमृतसर के, या नागपुर के अधिवेशन में। तो देखते हैं क्या सही है, तो ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव कांग्रेस के इसी अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न है काली क्रांति संबंधित है, काली क्रांति किससे संबंधित है। लिखा है मत्स्य उत्पादन, सरसों उत्पादन, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन। तो आपका जो डी आंसर है कच्चा तेल पेट्रोलियम, इसी को काली क्रांति कहते हैं। ध्वनि का तारत्व निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहता है। ऑप्शन है गुणता पर, आवृत्ति पर, कि तीव्रता पर, कि आयाम पर। तो ऑप्शन बी आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी जो होती है हमारी, उसी के ध्वनि का तारत्व निर्भर रहता है। प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा पादप समूह नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि में उगता है। कीटबच्छी पौधे हैं,
बायोफाइट्स हैं, अनावृत बीजी पौधे हैं या लाइकेन हैं? तो आपका जो आंसर ए है कीटभक्षी पौधे, यही नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि पर उगते हैं, जैसे डोसेरा, यूटिकुलेरिया, ये सब गटपड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में स्थापित किया गया इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष किसके सहयोग से बनाया गया है? ऑप्शन है आपके पास चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, या जापान या जर्मनी। तो ऑप्शन सी जो है हमारा जापान, इसी के सहयोग से बना है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर के निर्माण की घोषणा हाल ही में किस देश में की गई? मतलब सबसे विश्व में सबसे बड़े चिड़ियाघर का निर्माण। ऑप्शन है भारत, घाना, सिंगापुर, पाकिस्तान। तो आप जानते हैं विश्व में सबसे बड़े चिड़ियाघर का निर्माण हमारे भारत में ही हो रहा है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना कौशल विकास से संबंधित नहीं है? कौशल विकास से संबंधित नहीं है पूछा है, कौन सी योजना है? स्ट्राइव है, संकल्प है, श्रेयस है, या राष्ट्रीय पोषण मिशन है? तो क्या सही नहीं है? राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये कौशल विकास से नहीं संबंधित है, बाकी सब है। ग्राम विकास क्या है? ग्राम विकास क्या है पूछा है। काम और आय के अवसरों का प्रावधान है, प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग है, सुरक्षा और संवर्धन है कि उपयुक्त सभी है? तो हमारा जो सही है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था, क्या था उद्देश्य देखते हैं। ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना, लोगों की मानसिक सोच को परिवर्तित करना, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन देखते हैं क्या सही है, जैसा कि तीनों ऑप्शन ऊपर के सही हैं तो इसका मतलब डी, उपयुक्त सभी सही है। प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत गांवों में बसता है और गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता? तो किसने कहा था देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो हम जानते हैं ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने ही कहा था कि भारत गांव में बसता है और गांव के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, ग्रामीण निर्धनों को मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? मतलब निर्धनों को मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में बांटेंगे देखते हैं। ऑप्शन है 5, 7, 3, 4। तो बताइए कौन सा सही है, ऑप्शन सी 3। ऑप्शन 3 सही है, इसमें जो सी है वही सही है। और तीनों में जैसे देखते हैं, भूधारक है, दक्ष या कुशल है, भूमिहीन और अकुशल, ये 3 श्रेणियां बांटी गई हैं निर्धनों की। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना ग्राम विकास योजना संबंधित है? चलिए आइए देखते हैं कौन संबंधित है। मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उपयुक्त सभी। हमारा जो ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी, सभी क्या है, ग्राम विकास योजना संबंधित है। प्रश्न है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक निर्भर करती है देखते हैं क्या है, कृषि पर, सेवा क्षेत्र पर, औद्योगिक क्षेत्र पर, इनमें सभी। तो क्या सही है, ऑप्शन ए, कृषि कार्य पर ही अर्थव्यवस्था ग्रामीण टिकी है। प्रश्न है, अनुसंधान व्यापक रूप से अध्ययन करता है, अनुसंधान जो हमारा है किस पर अध्ययन करता है? ज्ञात तथ्यों और विचारों की समग्र जानकारी, अध्ययन के लिए समस्या की पहचान और चयन, और सी ही विकल्प है, ए भी दोनों, मतलब इनमें से कोई नहीं डी पूछा है, देखते हैं क्या सही है। तो ऑप्शन सी, मतलब दोनों हैं, ज्ञात तथ्यों और विचारों की समग्र जानकारी भी, अध्ययन के लिए समस्या की पहचान और चयन भी, इसलिए ए भी दोनों सही है। प्रश्न है, अनुसंधान के उद्देश्य है, अनुसंधान का उद्देश्य पूछा है, अन्वेषण करना, निदान करना, वर्णन करना, उपयुक्त सभी। क्या है सही, इसमें देखते हैं, ऑप्शन डी, अन्वेषण करना भी है, निदान करना भी है, वर्णन करना भी है। चलिए प्रश्न है अगला,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ किया गया, कब किया गया था? 12 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2007, 21 अगस्त 2005 या 16 सितंबर 2006। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 12 अप्रैल 2005। प्रश्न है आपके सामने, सामुदायिक विकास योजना को तकनीकी सहायता किस देश से प्राप्त हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सामुदायिक विकास योजना को तकनीकी सहायता किस देश से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, जापान। तो आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, अमेरिका। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के किस स्वरूप का सुझाव दिया था? मतलब बलवंत राय मेहता ने समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में किस स्वरूप का बताया था? एक स्त्री बताया था, द्वि स्त्री की, चार स्त्री की, त्रि स्त्री। तो हम बात करते हैं कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी, तीन स्त्री बात किए थे। ग्राम पंचायत और इसके बाद क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, वह भौगोलिक क्षेत्र जहां कुल जनसंख्या का 2/3 भाग कृषि कार्य तथा 1/3 भाग द्वितीय एवं तृतीय व्यवस्था से जुड़ा है, वह भौगोलिक क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ग्रामीण कस्बा, नगर, शहर, उपनगर। ऑप्शन सही है आपका ए, ग्रामीण कस्बा, जहां पे ज़्यादातर लोग कृषि कार्य करते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायत का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1948, 16 अक्टूबर 1945, 1 अगस्त 1951। तो देखते हैं क्या सही है, ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1949 में ही पंचायत गठन किया गया उत्तर प्रदेश में। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी? मतलब त्रिस्तरीय प्रणाली पंचायतों की किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन है 61-62 में, 1900 या 1973-74 में, या 1965-66 में, या 1960-61 में। बात करते हैं क्या सही है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन है ये हमारा 1961-62 में त्रिस्तरीय प्रणाली लागू हुई थी। प्रश्न है, नरेगा, नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब कर दिया गया? मतलब मनरेगा, नरेगा को बदलकर मनरेगा किया गया कब? 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2006, 2 सितंबर 2008, 2 नवंबर 2005। तो आपका जो सही आंसर है इसमें देखते हैं क्या है, ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया। चलिए प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ऑप्शन है क्या है? एक पेंशन योजना है, कृषि विकास योजना है, ग्रामीण रोजगार योजना है, कौशल विकास योजना है। तो आपका जो आंसर सही है ऑप्शन ए, एक पेंशन योजना है। प्रश्न है, वर्ष 2011 में स्वर्ण जयंती, वर्ष 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसे SGSY कहते हैं, का पुनर्गठन कर नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहा गया, या राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना कहा गया, अन्नपूर्णा योजना, या मनरेगा। आपका पहला ही आंसर सही है इसमें ए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया गया? किस तारीख को फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है 13 जनवरी 2016, 1 अगस्त 2016, 1 मार्च 2016, या 1 अप्रैल 2016 को। तो देखते हैं क्या सही है हमारा, ऑप्शन ए, 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ किया गया। प्रश्न है, 1 बीघा कितने बिश्वा के बराबर होता है? 1 बीघा कितने बिश्वा के बराबर होता है? ऑप्शन है 20 बिश्वा, 24 बिश्वा, 15 बिश्वा, या 16 बिश्वा। आपका पहला ही आंसर सही ऑप्शन है 20 बिश्वा, 1 बीघा बराबर 20 बिश्वा। उत्तर प्रदेश में चकबंदी सर्वप्रथम किस जनपद में प्रारंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश में चकबंदी सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ की गई थी पूछा है, किस जनपद में? ऑप्शन है सीतापुर, बहराइच, या मुजफ्फरनगर, या बलिया। तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मुजफ्फरनगर।
सर्वप्रथम चकबंदी प्रारंभ किया गया था। पहली बार प्रश्न है, पहली बार किसी संगणना हुई थी, फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस क्या है, देखते हैं। 1968 है, 1972 है, 1970 है, 1975 है, क्या सही है, देखते हैं। हमारा 1970 पहली बार किसी संगणना की गई थी। प्रश्न है, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ता को मिलता है, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उपभोक्ता को मिलता है, मतलब क्या मिलता है, देखते हैं। मिट्टी का तेल मिलता है, खाद्यान्न गेहूँ चावल या खाद्य तेल व चीनी उपयुक्त सभी पदार्थ, ऑप्शन देखते हैं क्या सही है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पदार्थ मिलते हैं। प्रश्न है, ऑपरेशन वर्मा ऑपरेशन बर्गा लिखा, ऑपरेशन बर्गा का संबंध किससे है, प्रश्न पूछा है। जमींदारों के संरक्षण से, बटाईदारों के संरक्षण से, उपयुक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन इसका आपका सही हो, बटाईदारों के संरक्षण से, ऑपरेशन बर्गा। चलिए प्रश्न करते हैं अगला, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ देखते हैं कब हुआ था, 1985 में, 1970 में, 1965 में या 1982 में, तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 1970 में। आज का लास्ट प्रश्न देख कर लेते हैं, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं, किसके होते हैं, बैंक मैनेजर के, ब्लॉक प्रमुख के, राजस्व अधिकारी के या जिलाधिकारी के, जैसा कि जानते हैं राजस्व अधिकारी के ही हस्ताक्षर होते हैं।